नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ICRR को चरणबद्ध तरीके से वापस लेगा RBI, आज से 25% हिस्सा होगा जारी। और रुपया में 24 पैसे की बढ़त, बढ़त के साथ 82.99 प्रति डॉलर पर। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 24 पैसे की बढ़त के साथ 82.99 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ है। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के बीच रुपए की धारणा मजबूत हुई है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि रिजर्व बैंक के वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को 7 अक्टूबर 2023 तक चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती मिली। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.13 पर खुला। दिन में कारोबार के दौरान यह 82.91 से लेकर 83.17 के दायरे में घूमने के बाद अंत में अपने पिछले बंद भाव से 24 पैसे की बढ़त के साथ 82.99 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रिजर्व बैंक ने बैंकों पर लगने वाले ICRR को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने का फैसला लिया है। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने बैंकों से 10% का इंक्रीमेंशन कैश रिजर्व रेशियो यानी ICRR मेंटेन करने का निर्देश दिया था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले चरण में 9 सितंबर को 25% हिस्सा जारी करेगा। इसके बाद 23 सितंबर को ICRR का 25% हिस्सा जारी किया जाएगा। आखिर में 7 अक्टूबर को बाकी बचा ICRR का 50% हिस्सा जारी किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने अपने रिलीज में कहा है कि RCRR के जरिए रिजर्व बैंक ने करीब 1,00,000 करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम से खींच ली थी। अब चरणबद्ध तरीके से लिक्विडिटी को रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि ये पैसा वापस बैंकों के पास आ जाएगा। 1,00,000 करोड़ रुपए में से 25% लिक्विडिटी यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए बैंकों में मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PCN न्यूज। अगस्त में IT हार्डवेयर आयात 50% तक बढ़ गया है। जुलाई की 8 लाख यूनिट की तुलना में 12 लाख यूनिट का इंपोर्ट हुआ है। 1 नवंबर से कुछ हार्डवेयर के आयात पर लाइसेंसिंग लागू होने से पहले और त्योहारों भी अच्छी खरीदारी की उम्मीद में कंपनियां ज्यादा सप्लाई खरीद रही हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT ने 3 अगस्त को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ IT हार्डवेयर के आयात को प्रतिबंधित कर दिया था। बाद में कंपनियों को 1 नवंबर तक की मोहलत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। वैश्विक बाजार में सतर्क माहौल के बावजूद घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार 6वें दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 333 अंक चढ़कर 67,599 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 93 अंकों की उछाल दर्ज हुई है। यह 19,800 से पार निकलकर 19,820 पर बंद हुआ। इन 6 दिनों के दौरान सेंसेक्स 1,767 अंक यानी 2.73% और निफ्टी 567 अंक यानी 2.94% मजबूत हुए। इस दौरान BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 11.35 लाख करोड़ रुपए यानी 3.67% बढ़ा। शुक्रवार की बढ़त में इसमें 1,84,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और यह पहली बार 320.94 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। मानसून में देरी और इसके बाद बारिश में कमी के बावजूद खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान का रकबा 400 लाख हेक्टेयर पार कर गया है, जबकि धान को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 सितंबर तक 403.41 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल के समान अवधि में यह आंकड़ा 392.81 लाख हेक्टेयर था। दलहन फसलों की बुआई में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। तिलहन फसलों का रकबा भी करीब 1% घटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ICRR को चरणबद्ध तरीके से वापस लेगा RBI, आज से 25% हिस्सा होगा जारी। और रुपया में 24 पैसे की बढ़त, बढ़त के साथ 82.99 प्रति डॉलर पर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।